डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड्स मेजर्स पीएल एसक्यूएल के सेशन में। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं फोर लूप एंड वाइल लूप की। तो फोर लूप और वाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है और कैसे हम इसको यूज करते हैं प्रोग्राम में, वो भी उसका एक एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। और इसका जो एग्जीक्यूशन है वो भी आपको इसी वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा और एक लाइव पे इसको मैं एग्जीक्यूट करके भी आपको दिखाऊंगा। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगेन छोटी सी डिमांड है, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक आपने नहीं किया, और जिसने कर दिया है वो और डिवाइस से भी सब्सक्राइब करवा दो। सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी लाइक शेयर जो है वो चलता रहने दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोर लूप। तो फोर लूप देखो, यहां पे जैसे हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्वियसली आपको पता है कि फोर लूप व्हाइल लूप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लूपिंग का कॉन्सेप्ट। तो देखो यहां पे डिक्लेयर ए नंबर, यहां पे हमने डेटा टाइप ऑफ नंबर लिया है, नंबर के साथ हमने उसका साइज जो है वो भी मेंशन कर दिया है। इंट ले लो, नंबर ले सकते हो, यहां पे कैरेक्टर ले सकते हो, कैर वेर कैर ले सकते हो, अलग अलग डेटा टाइप्स हम यहां पे यूज कर सकते हैं। बिगिन फोर ए, यहां पे देखो सिंटेक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। फोर ए जैसे हम वहां पे लिखते हैं ना, फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन दिस, आई प्लस प्लस, तो यहां पे कैसे लिखते हैं, फॉर ए इन जीरो डॉट डॉट टेन। इसका मतलब क्या है, फॉर ए इन मतलब इज इक्वल टू जीरो से लेके कहां तक चलेगा, डॉट डॉट, ये दो डॉट एक्चुअल में क्या है, बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है कि जीरो से स्टार्ट करेगा और टेन तक चलेगा। और इसकी इंक्रीमेंट कैसे करनी है, एक एक का इंक्रीमेंट करना है, दो दो का करना है, वो हम यहां पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट क्या है, डॉट डॉट का मतलब क्या है, वो एक एक का इंक्रीमेंट ही बाय डिफॉल्ट करेगा। मतलब ये कैसे चलेगा, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तक इस तरीके से वर्क करेगा। लूप वर्ड लिखना बहुत जरूरी है, फिर वही लाइन डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, ये लाइन काफी लंबी है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, कोई शॉर्टकट भी नहीं है, मेरे को भी लिखने में बार बार बड़ी दिक्कत आती है, तो बस ए को प्रिंट करा दो तो जीरो से लेकर टेन तक आपका प्रिंट हो जाएगा। एंड लूप करना बहुत जरूरी है, ये पॉइंट जो है वो नोट कर लेना। देन व्हाइल लूप, व्हाइल लूप की अगर हम बात करें तो यहां पे डिक्लेयर ए और बी हमने लिया, बिगिन ए इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू, यूजर से हमने वैल्यू ले ली। व्हाइल ए लेस देन बी, जस्ट हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, यहां पे ए की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं अप टू बी, तो बी हमने यूजर से ले लिया, नहीं लेना चाहते अब यहां पे 10 डाल दो तो ये 0 से 9 तक प्रिंट करा देगा क्योंकि हमने लेस देन लिया, ठीक है ना, इक्वल टू लिया तो लेस देन बी लिया। तो लूप ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, तो आप ए का इंक्रीमेंट चाहते हो, दो का चाहते हो, तीन का चाहते हो, तो उसको इस तरीके से आप यहां पे यूज कर सकते हो। फिर वही लाइन ए को हमने यहां पे प्रिंट कर दिया, एंड लूप एंड ऑफ द स्टेटमेंट। तो ये बेसिक सा फंक्शनैलिटी है कि फोर लूप कैसे काम करता है, व्हाइल लूप कैसे काम करता है, बाकी इसके अंदर छोटी छोटी वेरिएशन प्रोग्राम में इसको कैसे यूज करना है, आपको सिंटेक्स क्लियर हो गया तो डेफिनेटली आप उसको यूज करना सीख ही जाओगे, प्रैक्टिस जो है वो कहीं ना कहीं आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम लोग इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन में पहले हम बात करेंगे भाई फोर लूप की। तो फोर लूप का प्रोग्राम जो है हमने डिस्कस किया था, तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट यहां से करूंगा। तो ये प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, कॉपी किया। ये छोटा सा पॉइंट यहां पे बता दूं कि ये कमांड आपको दिख रही है सेट सर्वर आउटपुट ऑन, ये सेट सर्वर आउटपुट ऑन जो है वो मैं इसको यहां पे यूज नहीं कर रहा है। जब आप अपना सिस्टम यूज करते हो ना, तो कई बार क्या होता है ओरेकल 10.11 पे ना आप एग्जीक्यूट करते हो लेकिन आपको आउटपुट नहीं शो करता, तो जस्ट उसकी आउटपुट को एक्टिव करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो यहां पे लाइव में जरूरत नहीं है क्योंकि लाइव में वो बाय डिफॉल्ट जो है वो एक्टिव ही होती है। तो इसको जस्ट यहां पे कॉपी पेस्ट किया, और कॉपी पेस्ट करने के बाद मैंने इसको रन किया, तो लो जी रन करने के बाद इसने जीरो से लेके टेन तक सिंपली प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम फोर लूप को यूज करते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे व्हाइल लूप की, तो लो जी व्हाइल लूप को भी फटाफट से आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। तो व्हाइल लूप यहां से उठाया और इसको हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर यहां पे वही एम्परसेंट बी है, तो इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि एम्परसेंट बी जो है ना, ये आपका एम्परसेंट बी वही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इसीलिए यहां पे हम 10 डाल देते हैं क्योंकि ओरेकल लाइव में एम्परसेंट सपोर्ट नहीं करता। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो रन किया जैसे ही, तो लो जी इसकी वैल्यू जो है वो क्या दिखा रहा है, इसका आउटपुट आ रही जीरो से लेके, जीरो से नहीं सॉरी, आपकी जो वैल्यू सबसे पहले आएगी जीरो लेस देन टेन। तो यहाँ पे जीरो क्यों नहीं आ रही प्रिंट, क्योंकि उसने इंक्रीमेंट कर दिया साथ ही साथ, जीरो लेस देन टेन है ट्रू, ट्रू जाएगा तो वो अंदर गया लूप में, तो जीरो प्लस वन कर दिया, उसके बाद हम प्रिंट करा रहे हैं ना, तो उसकी वजह से क्या कर रहा है, वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट वाली वैल्यू जो है वो प्रिंट कर रहा है, तो इसीलिए वन से लेके टेन तक प्रिंट करेगा। इसको अगर आप ऊपर कर देते हो तो फिर ऑब्वियसली वो उसके अकॉर्डिंग प्रिंट जो है वो कर देगा। मतलब अगर आप इस लाइन को यहां से हटा देते हो, पहले मैं आपको इसके आउटपुट दिखा दूं, तो ये देखो वन से लेके
ये A1 A2 नहीं है, ये एक्चुअल में यहाँ पे A के साथ इक्वल टू लगा दो, तब ये जो है वो आपका प्रॉपरली दिखा देगा। ठीक है, इस तरीके से ये A1 A2 नहीं है, ये इस तरीके से है, A is equal to 1, B is equal to, sorry, A is equal to 2, 3, 4, 5, इस तरीके से। ठीक है, ओके, तो अगर हम इसको यहाँ से उठा के और इसके बाद अगर लिख देते हैं तो फिर देखो क्या आउटपुट आ रही है मेरी, तो फिर मेरी आउटपुट क्या आ रही है यहाँ पे, जीरो से लेके, ठीक है ना, पता लग गया आपको भाई क्यों आ रही है जीरो से लेके नाइन तक, क्योंकि हम ये पहले यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है फिर इंक्रीमेंट कर रहा है, लेकिन अगर आप इसको नीचे कर दोगे तो ये क्या कर रहा है, बाद में पहले इंक्रीमेंट करके फिर प्रिंट करेगा। ठीक है ना, यहाँ पे पहले प्रिंट कर रहा है और फिर इंक्रीमेंट कर रहा है, बस ये फर्क है। तो अब यहाँ पे जीरो से नाइन कराएगा, अदरवाइज वन से लेके टेन तक। और अगर आप इसको हटा के यहाँ से एंड लूप के बाद, मतलब लूप के बाहर लिख देते हो, तो फिर आपको पता ही है जो भी लास्ट वैल्यू होगी, तो लास्ट वैल्यू आपकी जो है वो इस तरीके से प्रिंट करा देगा, दैट इज 10। ठीक है, सो दिस इज हाउ द फॉर लूप एंड व्हाइल लूप एक्चुअली वर्क्स। थैंक यू।